हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का परीक्षण करने की बात कही, यानी कि वो मामले का परीक्षण करने को तैयार है। बागी विधायकों की याचिका पर नोटिस भी जारी हुआ है और ये नोटिस स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को जारी किया गया है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अप्रैल के आखिर में इस पर सुनवाई होगी। सीधे हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। गजाली, ये जो आदेश आया है कोर्ट का, यही कहा जा सकता है कि एक तरफ राहत है भी और राहत नहीं भी है। बिल्कुल वैसी ही स्थिति है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि नामांकन वहां पर भरने की जो आखिरी तारीख है वो 7 मई है, और जो डेट मिल रही है अगली हियरिंग की वो 4 हफ्तों के बाद अगर देते हैं तो उसके बारे में भी कोर्ट को बताया गया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही हो, तो वैसे मामले में, वैसे चुनाव या उपचुनाव के मामले में चुनाव आयोग खुद से ऐसे आदेश आमतौर पर नहीं निकालता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है। लेकिन जहां तक फौरी राहत की बात है, फौरी राहत नहीं दिया है कोर्ट ने या जज ने। साफ साफ कहा है कि आप विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं, हम स्पीकर के उस आदेश को नहीं नकार सकते हैं, उस पे स्टे नहीं लगा सकते हैं, इस तरह से कोई फौरी राहत नहीं है। लेकिन अब देखिए कि इसमें आगे क्या स्पीकर की तरफ से क्या जवाब फाइल किया जाता है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि व्हिप जारी किया गया था राज्यसभा के चुनाव के लिए, उसमें 6 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया और भाजपा के उम्मीदवार के लिए इन्होंने वोट कर दिया। अब उसकी लीगैलिटी देखी जाएगी कि राज्यसभा के चुनाव के लिए जा सकता है, जानकार बताते हैं किया जा सकता है, भाजपा ने आरोप लगाया था नहीं किया जा सकता है, तो इन सब चीजों पे आगे बहस जरूर होगी, क्योंकि यही बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली आपका ये तमाम बातें बताने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।